हेलो स्टूडेंट्स तो बेटा अब एडवांस का पेपर देखें तो टॉपिक वही है वेक्टर थ्री डी कम्प्लेक्स नंबर तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इनुमने, ए रे ऑफ लाइट इन एमिनेटिंग फ्रॉम ए पॉइंट वन टू थ्री एंड स्ट्राइक से लाइन मिरर एक लाइन मिरर को स्ट्राइक करती है एट ए पॉइंट पी आफ्टर रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन के थ्रू इट दिस पास थ्रू द पॉइंट थ्री सिक्स नाइन तो ये किस पॉइंट से पास करती है थ्री सिक्स नाइन से पास कर जाती है सो so, अब अपने को ये देखना है कि कहता है इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट पी ए बी तो इसमें देखो एक चीज आप नोट कर रहे हैं इस लाइन के बी के डायरेक्शन रेशियो देखो डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी डी आर ऑफ तो डी आर ऑफ ए बी डी आर ऑफ ए बी तो ए बी के डायरेक्शन रेशियोज क्या है आपके पास में देखो टू फोर एंड सिक्स दिस यू कैन राइट नो वन टू थ्री सो डायरेक्शन रेशियो ऑफ दी गिवन लाइन एंड ए बी आर सेम तो इसका मतलब क्या हुआ ए बी एंड दैट लाइन आर पैल टू ईच अदर तो दोनों पैल हो गए तो इसमें अगर इसको डायग्राम को थोड़ा सा ध्यान से देखें अपने तो डायग्राम देखो किस टाइप से बनेगा ये नेक्स्ट पेज पे चलते हैं ब्लैंकेट ठीक है ना तो देखो इसमें ये पॉइंट ए हो गया दिस इज बी सो ए के कोऑर्डिनेट आपके पास में क्या है वन टू थ्री वन टू थ्री बी के कोऑर्डिनेट क्या है

एंड थ्री आर प्लस वन ओके ना ए बी इज पैलेट टू ए बी पैलेट टू गिवन लाइन पैलेट टू गिवन लाइन तो गिवन लाइन के पैल है ए बी तो अपने पास में देखो यहां से अब दे विल फोर में आइसोसेलिस्ट्रगल आइसोसेलिस्टल बनाएगा तो परपेंडिकुलर ड्रॉन यहां से देखो अब इसके मिड पॉइंट का कोर्डिनेट निकाल लो सो मिड पॉइंट ऑफ ए बी मिड पॉइंट ऑफ ऑफ ए बी ए बी का मिड पॉइंट निकाल लो सो दैट विल बी हेयर एम के कॉर्डिनेट सो दिस विल बी टू एंड आपके पास में सिक्स एट फोर एंड दिस इज ट्वेल्व सिक्स ओके सो डायरेक्शन रिश्व ऑफ एम बी डी आर ऑफ एम पी तो अपने को पी के कॉर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं मेन

आर इक्वल टू वी है थ्री बाई टू तो आर की वैल्यू अपने को थ्री बाई टू पता लगे सो ना यू कैन फाइंड आउट दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी पी के कोऑर्डिनेट्स आपके पास में क्या आ जाएंगे यहां पे पी के कोऑर्डिनेट सो दैट विल बी माइनस वन पॉइंट टू माइनस वन पॉइंट टू एंड सो दिस इज सिक्स सिक्स एंड सिक्स एंड हियर वी हैव टू कैंसिल तो ये सिक्स आएगा ठीक है तो इसके कोऑर्डिनेट टू कैंसिल हेयर वी हैव नाइन इलेवन सो नाइन इलेवन अपॉन टू ये ये P के कोऑर्डिनेट्स पता लग गए नाउ यू कैन फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ द यू हैव टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द दीज थ्री पॉइंट्स ये तीनों पॉइंट से पास होने वाले प्लेन का इक्वेशन निकालना है तो सिंपल है आप कैसे करोगे प्लेन का इक्वेशन निकालने के लिए तो देखो इसमें इक्वेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू पासिंग थ्रू पी ए बी किससे पास हो रहा है पी ए बी से तो सिंपल एक्स माइनस वन वाई माइनस टू जेड माइनस थ्री इस तरीके से अब बाकी क्या इसमें से थ्री माइनस वन इसको यह टू थ्री माइनस वन टू फोर एंड सिक्स इस फोर में नौ माइनस वन अपॉइंट टू एंड सिक्स इलेवन एलेवन अपॉइंट टू जीरो इस फोर में आ रहा है इसको थोड़ा सा टू से मल्टीप्लाई कर लो आप ठीक है तो इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं इसमें P point के पीट ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी तो सब होंगे ना तो देखो एक्स टू माइनस एक्स वन वाई टू माइनस एक्स वन वाई थ्री माइनस वाई वन जेड वन तो ये माइनस वन माइनस टू एंड माइनस थ्री ओके तो इसको बेटा आप सिंप्लीफाई करते हो तो यू विल गेट द इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन द्लस y माइनस जेड इजिकल टू जीरो इस फॉर्म में आएगा सो यू विल गेट द रिक्वायर्ड प्लेन सो आंसर टू दैट क्वेश्चन इज सो वी हैव टू चेक सॉरी सो आंसर टू दैट फर्स्ट ऑप्शन ठीक है तो ये आपके पास है फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा तो फर्स्ट ऑप्शन सो नेक्स्ट क्वेश्चन तो अब अपने देखो उसमें पी ए प्लस बी की वैल्यू पूछी है तो पी के कोऑर्डिनेट हमने निकाले थे सो so पी के कोऑर्डिनेट ये इसमें डायग्राम आपके पास में किस फॉर्म में बना तो देखो इस फॉर्म में ये डायग्राम बना था ये सो ए बी पी कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी आर वी है कि क्या क्या पॉइंट थे माइनस वन पॉइंट टू सिक्स एंड इलेवन पॉइंट टू ये पॉइंट थे आपके पास में सो so, इसके कोऑर्डिनेट क्या थे वन टू थ्री अब आपके पास में दिस इज आइसोसेलेस ट्रायंगल पी ए इज इक्वल टू पी बी सो पी ए इज इक्वल टू पी बी ऐसा है सो पी ए इज नथिंग दिस इज ट्वाइस ऑफ ट्वाइस ऑफ पी तो अपने को पी पी ए प्लस पी बी सो बी है तो ट्वाइस ऑफ पी ए निकालना है तो अब इसमें देखो इसको करोगे तो आप सिंप्लीफाई तो यह किस फॉर्म में आता है टू अंड्रुड में सो दिस विल बी प्लस नाइन नाइन अपॉन फोर ओके सो फर्दर सिक्सटीन फर्दर दिस विल बी सो सिक्स ट्वेंटी फाइव upon फोर ओके सो नाउ simplify दिस दिस विल बी इक्वल टू बट 64, 64 and this एंड दिस विल बी so 2 सो सो टू इधर आपके पास में किस फॉर्म में आ रहा है देखो इसको ध्यान से सो नाइन प्लस सिक्सटी फोर प्लस ट्वेंटी फाइव सो दिस विल बी थर्टी फोर एंड फोर दिस वी हैव टू नाइंटी एट अपॉन फोर सो दिस विल गेट यहां से आपके पास में किसके बराबर आ जाएगा ये सो दिस वी हैव फोर्टी नाइन एंड टू ओके सो दिस विल भी सेवन रूट टू तो ये सेवन बाहर आ जाएगा सेवन रूट टू आंसर टू दिस क्वेश्चन इज भी है सेकेंड ऑप्शन तो नेक्स्ट क्वेश्चन तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कंसीडर द इक्वेशन इस इक्वेशन को कंसीडर करेंगे तो जेड प्लस प्लस जेड इशपर सेवन हैज द रूट्स इसके रूट्स आपको दे रखे हैं सो देन व्हाट इज द रियल पार्ट ऑफ दिस जेड आर आर वेर फ्रॉम वन टू सेवन वन टू सेवन क्लियर है तो so, इसको देखो करने के लिए आप क्या करोगे इसका सोल्यूशन में

माइनस वन रेस पावर वन पॉइंट सेवन ओके तो इसका जनरल फॉर्म लिखोगे कॉस टू एम पाई प्लस पाई अपॉन सेवन प्लस आयोटा साइन टू एम पाई तो यहां पे व्हाट इज एम एम वैरीज़ फ्रॉम जीरो टू वन टू थ्री कहां तक सिक्स तक है ठीक है इसको मैं क्या लेट कर लेता हूं कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा ठीक है ये इसके इक्वल है ना तो ये आपके पास में जेड प्लस वन अपॉन जेड कॉस थीटा प्लस थीटा तो यहां पे थीटा किसके इक्वल है आपके पास में व्हाट थीटा थीटा इस भी है टू एम पाई प्लस पाई अपॉन सेवन इस फॉर्म में है। ठीक है तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं जेड प्लस वन एंड कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इन टू जेड तो यहां से आपके पास में क्या आ रहा है इसको उधर की तरफ ले जाते हैं तो वन इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस वन प्लस साइटा साइन थीटा सो दिस इज z तो z इज इक्वल टू भी है तो z को आप जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे नीचे ले जाएंगे तो वन अपॉन क्या आएगा वन अपॉन cos थीटा माइनस वन प्लस साइटा साइन थीटा तो इसको अपने रैशनलाइज कर देते हैं इसको जब रैशनलाइज करोगे तो ऊपर आपके पास में क्या आएगा cos थीटा cos थीटा माइनस वन माइनस आयोटा साइन थीटा तो नीचे आपके पास में कॉस थीटा माइनस वन होल स्क्र माइनस आयोटा स्क्र साइन थीटा इस फोर में आ रहा है ठीक है तो कॉस थीटा माइनस वन माइनस आयोटा साइन थीटा ठीक है इधर कोस स्क्र थीटा प्लस साइन थीटा दट इज वन माइनस टू कॉस तो क्या आएगा ये वन प्लस वन माइनस टू कोस थीटा इस फॉर्म में आ रहा है ठीक है अब इसको और आगे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो जेड इजिकल टू भी है माइनस वन माइनस कॉस थीटा इस फॉर्म में माइनस आयोटा साइन थीटा तो नीचे आपके पास में टू कॉमन वन माइनस कॉस थीटा इसको अलग अलग डिवाइड करेंगे तो आपके पास में किस फॉर्म में आ रहा है देखो ये सो माइनस वन अपॉइन टू माइनस इसको टू आयोटा साइन थीटा बाई टू इस फॉर्म में लिख दिया तो नीचे आपके पास में टू वन माइनस को क्या लिखोगे वन माइनस कॉस थीटा को टू साइन केयर थीटा बाई टू ऐसा आएगा ये साइन एक थीटा इससे कैंसिल हो जाएगा टू से टू कटेगा तो माइनस वन अपॉइन टू तो वन अपॉइन टू Iota, court, theta by इस फॉर्म में आ रहा है ठीक है सो हाउ मेनी रूट्स रूट्स आर देयर सेवन तो आपके पास में सब में ये देखो इसमें आपके पास में रियल पार्ट जेड वन का रियल पार्ट भी माइनस वन पॉइंट टू आएगा जेड टू का भी माइनस वन पॉइंट टू आएगा तो आपके पास में सभी कॉम्प्लेक्स नंबर्स का जेड वन जेड टू जेड थ्री ऑल विल है तो इसमें आपके पास में देखो क्या बनेगा

तो नेक्स्ट पार्ट में उसका क्या है? जो हमने वैल्यू निकाली थी देखो कैसे तो इसमें देखो सॉल्यूशन तो जेड किसके इक्वल निकाला था हमने माइनस वन अपॉन टू माइनस आयोटा अपॉन टू कॉट थीटा बाई टू ये इस फॉर्म में था ठीक है अब अपने पास में ऐसे फॉर्म में था सबको ऐड करेंगे तो यहां पे एक्चुअल में ये थीटा क्या है यहाँ पे टू एम पाई प्लस पाई अपॉन सेवन तो आपके पास में देखो इस तरीके से मैं लिख देता हूं माइनस वन अपॉन टू माइनस अपॉन टू कॉट टू एम पाई प्लस पाई अपॉन फोर्टीन ये अब यहाँ पे m जब z m की वैल्यू जब आप क्या रखोगे वन यूट यू विल गेट जेड वन एम की वैल्यू टू डालोगे यू विल गेट एम जेड टू तो इसमें देखो जेड वन क्या बना आपके पास में यहाँ पे तो इसमें R1, देखो इसमें देखो एम की वैल्यू जब जीरो इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी पार्ट क्या आएगा ऑफ जेड टू वो जेड टू बनेगा कॉम्प्लेक्स नंबर तो उसमें कितना आएगा, आएगा आपके पास में जब वन रखोगे सो दैट विल बी यहां पे थ्री पाई बाई फोर्टीन सो थ्री पाई बाई फोर्टीन थ्री पाटीन तो इस तरीके से आपके पास में दो दो का डिफरेंस आएगा जब आपने क्या रखोगे पे 6 रखेंगे लास्ट में 13 pi by 14 आएगा तो किससे आएगा तो समू वन टू सेवन टू जेड आर तो पहला क्या मिला माइनस वन अपू कॉमन माइनस वन अपू कॉमन तो यू पाई 14, प्लस कोट थ्री पा फोर्टीन प्लस पाई 14, इस तरीके से आ रहा है लास्ट में आपको क्या मिलेगा लास्ट में देखो यू विल गेट कोट थर्टीन पाई बाई फोर्टीन और इससे पहले वाला क्या मिलेगा कोट इलेवन पाई बाई फोर्टीन अच्छा देखो कॉट में अगर अपने पास में इनके एंगल्स का दो

आंसर टू दिस क्वेश्चन इज फर्स्ट वन तो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन अब मोरदर्न टाइप के क्वेश्चन है बेटा तो इसमें देखें फर्स्ट क्वेश्चन इसके सोल्यूशन के लिए आप जेड को क्या लेट कर लो जेड को अपने जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयटा वाई ये लेट करेंगे तो इसमें देखो आपके पास में टू एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस थ्री एंड थ्री एक्स प्लस थ्री आयोटा वाई प्लस फोर इस फोर में आएगा ठीक है तो इधर आपके पास में देखो क्या बन गया टू एक्स प्लस थ्री होल स्क्वायर प्लस वाई फोर वाई ऐसा आ गया सो हेयर यू विल गेट थ्री एक्स प्लस फोर वाई होल स्क्वायर प्लस नाइन वाई स्केर. अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं यू विल गेट द इक्वेशन ऑफ सर्कल तो जेड लाइज ऑन ए सर्कल तो देखो इसमें आपको क्या मिलेगा फाइव एक्स स्क्सर इस तरीके का आएगा ठीक है इधर ले आते हैं ना तो इसको या तो दूसरी तरफ ले जाओ आप यहां से आपके पास में ट्वेंटी फोर एक्स आएगा सो ट्वेंटी फोर एक्स ठीक है और इधर से आपके पास में सिक्स ट्वेल्व तो ट्वेल्व हेर यूट ट्वेल्व एक्स ओके okay? तो फाइव आई स्क्र और कॉन्स्टेंट टर्म आपके पास में इधर कितना आएगा सिक्सटीन इधर कितना हुआ नाइन ठीक है तो सेवन तो सेवन यहां से मिल रहा है आपको तो जेड लाइज ऑन दिस सर्कल तो इसको अगर अपने सिंप्लीफाई करें तो ये आपके पास में कितना आता है सो दिस विल बी ट्वेल्व अपॉन फाइव एक्स प्लस सेवन अपॉन फाइव इसका सेंटर क्या है बड़ी सेंटर सेंटर माइनस सिक्स अपॉन फाइव कॉमा जीरो वट इज द रेडियस रेडियस विल बी हेयर तो रेडियस देखो कितना आता है इसका रेडियस भी निकालना है ना रेडियस भी देखो अपने पास में कौन सा ऑप्शन रहता है तो यहाँ पे थर्टी सिक्स अपॉइंट ट्वेंटी फाइव और माइनस का सेवन पॉइंट फाइव तो इसमें जब आप रखोगे तो दिस इज वन पॉइंट फाइव तो ये पहले दो ऑप्शन तो नहीं है बिकॉज सेंटर इज क्या है यहाँ पे माइनस सिक्स अपॉइंट फाइव कॉमा जीरो एंड रेडियस वन पॉइंट फाइव इस फॉरम में आ रहा है अच्छा अब अपने पास में ये कंप्लेक्स नंबर है इसका सेंटर क्या है मतलब ये क्या जेड का लोकस क्या लोकस ऑफ जेड इज सर्कल सेंटर उस माइनस सिक्स फाइव जीरो रेडियस कितना इसका रेडियस कितना है वन पॉइंट फाइव तो आपने इस तो इसको जब वन पॉइंट फाइव इसमें ऐड करते हैं तो इधर की तरफ जाएगा ठीक so, है अगर आप इस इस तरफ तरफ जाते हो तो इस तरफ आएंगे, तो तो आएंगे आपके पास में क्या आएगा इसमें इसमें करेंगे तो इस विल बी ऐसा अब इसमें कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर है दिस इज कॉम्प्लेक्स नंबर ओरिजिन इज मिनिमोल मिनिमम इज इक्वल टू वन वन एंड मोडलस कितना आ रहा है मैक्सिमम कितना हुआ यहां से ग्राफ से देखे ये डिस्टेंस कितना ये पॉइंट क्या होगा इस पे मैक्सिमम डिस्टेंस पे होगा तो सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज थर्ड एंड फोर्थ ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा तो जेड बी ए नॉन रियल कंप्लेक्स नंबर सेटिस्फाइंग द मॉडुलस ऑफ जेड इज इक्वल टू देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू तो अपने को देखो जेड

अब देखो इसमें आपके पास में जेड माइनस टू आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड माइनस टू जेड इधर है या जेड इधर हो सकता है तो इधर आपके पास में आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड माइनस टू इधर ये एंटीक्लॉग डायरेक्शन में जा रहा है ये पाई ठीक है अगर जेड माइनस टू देखो ये ये होता है लास्ट अपॉन ये हो गया लास्ट एंड बिगनर ये लास्ट में ये मिला ये ऐसा भी हो सकता है इस तरीके से रोटेट करोगे ये ये एंगल विल बी दिस विल बी माइनस फाइव बाई टू

अब देखो दूसरा जो ये पॉइंट है नीचे वाला जो पॉइंट है आपके पास में क्या है वन माइनस आयोटा रूट थ्री सो ये हो गया आपके पास में वन माइनस रूट थ्री ये पॉइंट हो गया ये दोनों पॉइंट देखो एक तो पॉइंट इधर हो गया ये वाला तो ये कितना हुआ आपके पास में माइनस वन माइनस रूट थ्री और इधर पॉइंट क्या हो गया आपके पास में वन रूट थ्री माइनस का अब इसका देखो ये एंगल सिक्सटी है और ये एंगल कितना है इसका

थर्ड एंड फोर्थ में थर्ड एंड फोर्थ में देखो क्या करोगे आप तो जेड स्क्र माइनस वन इसको मैं ऐसे लिखता हूं मोडलसर माइनस वन फैक्टर बनाओ ऐसे Z तो इसका क्या आएगा आपके पास में जेड माइनस वन जेड प्लस वन एंड इस तरीके से लिखोगे ठीक है ये बताया हुआ है प्रॉपर्टी मोडलस ऑब्जेट स्केयर इज इक्वल टू जेड जेड बार ये होता है ठीक है अब देखो इसमें देखो जब आप इसको और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो हेयर यू विल गेट हेयर जेट जेड बार दैट इज मोडुलस जेड स्केयर तो आपके पास में कितना आ जाएगा वो फोर फोर आएगा तो फोर और इसमें इसको जब सिंप्लीफाई करोगे माइनस टू एक्स आएगा और जब इसको और इसको करोगे तो क्या आएगा फोर प्लस टू एक्स ऐसा यहां से आपको फोर प्लस टू एक्स ये फोर प्लस टू एक्स इससे आएगा इससे फोर माइनस टू एक्स आ जाएगा ओके जेड जेड बार माइनस फोर टू एक्स ये माइनस टू एक्स इससे मिलेगा आपको अब ये कितना हुआ आपके पास में 16 minus 2X square, अब देखो यहां पर आपके पास में एक्स इसमें रियल पा, इमेजिनरी पार्ट तो है नहीं तो ये मैक्सिमम कम होगा जब एक्स इजल टू here भी है जीरो तो जीरो कहां पे होगा आपके पास में जैसे रहा जीरो जीरो माइनस टू तब इस इस पॉइंट पे हो गया जब ये आपके पास में क्या आएगा इसकी वैल्यू मैक्सिमम मिलेगी जब आपके पास में x is equal to, यहां पे मैं कितना रखूंगा टू डालूंगा तो देखो इसमें यहां पर आपके पास में जेड जेड बार और एक प्लस का वन हो रहा है सॉरी प्लस प्लस वन यहां पे जेड जेड बार जेड प्लस जेड बार प्लस वन

इज ग्रेटर देन नाइन ऐसा आएगा ठीक है तो वो नाइन एंड लेस देन इक्वल टू वट किससे ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव सो आपके पास में कौन कौन सा ऑप्शन हो जाएगा एक और मतलब दो ऑप्शन और हो जाएंगे ये आपके पास में यहां पे थ्री ये कितना आएगा फाइव ओके सो so यहां से ये ऑप्शन और हो गया तो ये वाली वैल्यूज मैं इधर लिख देता हूं तो इस क्वेश्चन में देखो इफ ए वैक्टर बी वैक्टर एंड सी वैक्टर आर यूनिट वैक्टर सो दे्यू ऑफ इसके वैल्यू पूछा है किससे मतलब क्या हो सकती है तो आपके पास में तो इसकी वैल्यू अपने को बताना भी कि, कौन सी वैल्यू इसकी होगी ठीक है तो तो देखो इसका वैल्यू कैसे देखेंगे अपने क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है वो देखना है तो देखो सॉल्यूशन इसका इसको बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर स्केयर प्लस सी वेक्टर, ठीक है इसको खोलेंगे तो आपके पास में देखो सब में क्या आएगा टू ए वैक्टर स्केयर, ऐसा आएगा टू बी वैक्टर स्केयर, टू सी वैक्टर स्केयर, ओके सो माइनस टू ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर बी वैक्टर डॉट सी वैक्टर सी वैक्टर डॉट ए वैक्टर इस फॉर्म में ये रहेगा तो ये आपके पास में कितना आ गया सिक्स आ गया यहां पे सिक्स माइनस टू ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर बी वैक्टर डॉट सी वैक्टर सी वैक्टर डॉट ए वैक्टर इस फॉर्म में अब देखो अपने को ये पता है मोडलस ऑफ ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर मोड ऑफ ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर प्लस सी वैक्टर दिस इज इक्वल टू वट ये तीनों यूनिट वैक्टर है सो वी हैव हियर यहां पे आपके पास में क्या आएगा थ्री ठीक है प्लस टू ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर बी वैक्टर डॉट सी वैक्टर एंड सी वैक्टर डॉट ए वैक्टर ये ऐसा आएगा सो दिस विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ग्रेटर देन जीरो रहेगा ओके okay? तो अब अपने पास में देखो इसको उधर ले जाते हैं टू ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर बी वैक्टर डॉट सी वैक्टर एंड सी वैक्टर डॉट ए वैक्टर दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस थ्री तो अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा आपके पास में ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर प्लस बी वैक्टर डॉट सी वैक्टर प्लस सी वैक्टर डॉट ए वैक्टर एंड दिस इज लेस इक्वल टू थ्री ठीक है तो इसकी वैल्यू आपके पास में क्या हुई इसकी वैल्यू लेस देन इक्वल टू थ्री हो गई सो so यहां पे आपके पास में दिस इज ये, ये इसकी वैल्यू क्या हो गई इसकी सारे की लेस देन थ्री तो सिक्स प्लस थ्री से कम तो इसका आपके पास में ये जो बना ए वैक्टर बी वैक्टर मोडस ऑफ स्केयर ऑफ मोडस ऑफ ए वैक्टर माइनस बी वैक्टर प्लस बी वैक्टर माइनस सी वैक्टर स्केयर तो सी वैक्टर माइनस ए वैक्टर स्केयर सो दिस इज लेस देन ये थ्री प्लस सिक्स लेस देन इक्वल टू रहेगा लेस देन इक्वल टू नाइन ओके सो इट्स वैल्यू कैन बी फोर नाइन एंड एट बट कैन नॉट बी इक्वल टू ट्वेल्व आंसर टू दिस क्वेश्चन इज फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड ओके नेक्स्ट क्वेश्चन ए वैक्टर बी वैक्टर आर नॉन पैलर यूनिटर सी वैक्टर इज ए वैक्टर इन ए प्लेन परपेंडिकुलर टू द्ले एक प्लेन में लाई करता है सी वैक्टर उस प्लेन के मतलब उस प्लेन में लाई करता है जो ए वैक्टर और बी वैक्टर के परपेंडिकुलर है ठीक है

सॉल्यूशन तो मॉडुलस ऑफ सी वेक्टर इज इक्वल टू फाइव अब अपने पा ये तो पता है ना कि वेक्टर सी इज लाइज इन दैट प्लेन उस प्लेन में लाइ करता है जो प्लेन क्या किसके परपेंडिकुलर होगा लाइज इन ए प्लेन परपेंडिकुलर टू तो ए वेक्टर एंड बी वेक्टर उस प्लेन में लाइ करता है सी वेक्टर ठीक है तो अब इसमें इस क्वेश्चन में बेटा आपके पास में पहले अपने लेट कर लेते हैं लेट थीटा भी द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर उनके बीच में एंगल लेट कर लेते हैं ना तो आपके पास में देखो क्या आ रहा है बी वेक्टर ये स्क्वायर सो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ऐसा तो इसमें ये क्या बनेगा वन प्लस वन सो यहाँ पे टू मोडल्स ऑफ ए वैक्टर मोडल्स ऑफ बी वैक्टर दैट इज कॉस थीटा यहाँ पे मोडल्स ऑफ ए वैक्टर मोडल्स ऑफ बी वैक्टर एंड साइन थीटा ये यूनिट वेक्टर है सो वही है यहां पे आपके पास में क्या आएगा टू प्लस टू थीटा, और इधर साइन में आ गया तो यहां से टू वन प्लस को लिख देंगे टू थीटा बाई टू ठीक है और इधर क्या बन गया टू साइन थीटा बाई टू कोस थीटा बाई टू तो टेन थीटा बाई टू की वैल्यू यहां से क्या आ रही है टू सो टेन थीटा बाई टू इज टू टू टेन थीटा बाई इज टू तो यहां से अपने थीटा की क्या आ रही है? थीटा की वैल्यू वैल्यू क्या देखो अपॉन you know. फाइव अब नाउ वेक्टर सी इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर तो उस प्लेन में मतलब भी A vector और बी वेक्टर के परपेंडिकुलर है तो व्हाट वी कंडीशन सो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर वो तो यहाँ से पहले रिजल्ट निकाल लो आपके पास में क्या क्या आ रहा है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर सो दिस बी सॉरी ये थ्री बाई थ्री बाई फाइव आएगा थ्री बाई फाइव सो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर भी है सो so, एक तो ऑप्शन कौन सा हो गया माइनस थ्री बाई फाइव दिस ऑप्शन सो नेक्स्ट वी हैव टू वी हैडिकुलर टू ए वैक्टर एंड बी वैक्टर उसके परपेंडिकुलर है ठीक है तो देखो आप किस तरीके से करोगे आगे तो सी वैक्टर विल बी परपेंडिकुलर टू दैप इज दूनिट वैक्टर परपेंडिकुलर टू वट ए वैक्टर एंड बी वैक्टर सो एन कैप इस परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर है एंड सी वेक्टर इज पैलर टू एन वेक्टर इसके पैल होगा तो आपके पास में सी वेक्टर विल बी हेयर इक्वल टू बी है सो फाइव फाइव वट विर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ दिस इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या आएगा आपके पास में देखो ए वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर डॉट सी वैक्टर सो दिस विल भी आपके पास में देखो this will be दिस बी पैले तो यह आपके पास में किसके एक्टर क्रॉस बी वैक्टर बिटवीन ए वैक्टर इसमें क्या आएगा साइन थीटा इस तरीके से रहेगा यह प्लस माइनस ऊपर नीचे दोनों तरफ रहेगा ना तो इसमें क्या आएगा साइन थीटा एंड दिस इज एन कैप प्लस माइनस प्लस माइनस फाइव ऐसा लिखेंगे इसको देखो मैं ऐसे लिख देता हूं साइन थीटा एंड प्लस माइनस फाइव एन कैप ये इस फॉर्म में आएगा ठीक है तो इसका डॉट प्रोडक्ट है ठीक है ना ये डॉट प्रोडक्ट है इसको ऐसे लिखा तो इसका एन कैप आएगा वो एन कैप इसका भी आएगा ठीक है तो ये आपके पास में साइन थीटा विल बी इक्वल टू हियर तो साइन थीटा बिल भी हेयर भी है फोर अपाइव सो फोर अपॉन फाइव एन एन कैप और एन कैप क्या होगा वन हो जाएगा तो यहाँ से आपके पास से 5, minus, तो so भी है माइनस फोर प्लस फोर ओके तो ये देखो आपके पास में इसमें इसका डॉट क्रॉस प्रोडक्ट क्या बना आपके पास में मोडलस ए वैक्टर मोडलस बी वैक्टर साइन थीटा एन कैप तो सी वैक्टर भी है दोनों के उनके क्रॉस प्रोडक्ट के उनके प्लेन के परपेंडिकुलर होगा ना तो फिर आपके पास में सी वैक्टर तो आंसर टू दिस क्वेश्चन भी है थर्ड एंड फोर्थ तो नेक्स्ट क्वेश्चन तो बेटा फिफ्थ क्वेश्चन देखे फिफ्थ क्वेश्चन में अब देखो, पे क्या है कंसिडर ए प्लेन पी कंटेनिंग द लाइन एक प्लेन को कंसीडर करना है जो इस लाइन को कंटेन करता है एक क्यू Q, क्यू Q एक पॉइंट है ठीक है थीके? तो अब इसमें पूछा गया इसमें कहता है एक ऐसा प्लेन का इक्वेशन फाइंड आउट करो जो पॉइंट क्यू से मैक्सिमम डिस्टेंस पे है तो कौन सा प्लेन आपके पास है मैक्सिमम डिस्टेंस पे होगा पॉइंट क्यू से उस लाइन पे जो परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे फुट ऑफ परपेंडिकुलर द फुट ऑफ दैट परपेंडिकुलर विल बिल आल्सो इन दैट प्लेन तो ऐसा होगा वो लाइन ऐसे रोटे उस प्लेन में लाई करेगी तो उस प्लेन को ऐसे रोटेट करते जाएंगे कोई एक ऐसा प्लेन आएगा कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट क्यू पॉइंट क्यू से जो परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे उसका जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर बिल लाई इन दैट प्लेन एंड आल्सो लाई ऑन दैट लाइन तो देखो ऐसा इस टाइप से होगा ये पॉइंट क्यू वन टेन वन ठीक है ये इस तरीके से ये पॉइंट पी ले लिया तो पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट अपने इस लाइन से निकाल लेते हैं तो कोऑर्डिनेट के पी के कोऑर्डिनेट क्या हुए आर प्लस वन सो टू आर प्लस थ्री एंड थ्री आर प्लस वन हो गया तो अब अपने डायरेक्शन रेशियो ले लो डी आर ऑफ पी क्यू तो लाइन का इक्वेशन हमें पता ही है तो क्या इसका डायरेक्शन रेशियो आपके पास में क्या हो गया आर सो टू आर माइनस सेवन एंड थ्री आर अब नाउ दिस इज परपेंडिकुलर टू द लाइन लाइन के परपेंडिकुलर होगा तो द क्या प्रोडक्ट ऑफ द डायरेक्शन रेशियो ऑफ दी क्यू एंड लाइन विल इक्वल टू जीरो सो दैट विल बी आर प्लस फोर आर माइनस फोर्टीन ओके सो नाइन आर यहां से आर कितना मिल गया आपको थर्टीन ये फोर्टीन सो दिस इज वन आर इज इक्वल टू वन आर की वैल्यू जब वन मिल गई तो पी के कोऑर्डिनेट आपके पास में क्या आ गए पी के कोऑर्डिनेट सो दिस इज टू फाइव एंड फोर ये अब अपने को अब इस प्लेन में एक तो ये लाइन लाई करती है और एक ये पॉइंट भी लाई करता है तो देखो सिंपल प्लेन का इक्वेशन क्या आएगा इक्वेशन ऑफ प्लेन विल बी हेयर भी है एक्स माइनस वन वाई माइनस थ्री जेड माइनस वन तो ये पॉइंट लाइन पे लाई करने वाला पॉइंट क्या है वन थ्री टू सो देट विल बी हेयर सो टू माइनस वन फाइव माइनस थ्री एंड जेड माइनस सॉरी जेड नहीं सो फोर माइनस वन ओके या इसके डायरेक्शन रेशोज निकाल लो डायरेक्शन रेशोज कितने अपने पास में यहाँ से आर की वैल्यू निकाल लो ये आर की वैल्यू कितनी वन है तो क्या क्या हो गए? डायरेक्शन रेशो इसके उससे कर लो सिंपल है थोड़ा सा नहीं तो इससे करना तो इससे भी कर लो तो आपके पास में लाइन के डायरेक्शन रेशियो वन टू थ्री सो अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यू विल गेट द इक्वेशन ऑफ द प्लेन एक्स माइनस फाइव वाई प्लस थ्री जेड प्लस इलेवन इक्वल टू जीरो ऐसा मिलेगा या ऐसे इसको ऐसे भी कर सकते हो डायरेक्शन रेशियो क्या आगे नॉर्मल टू द प्लेन तो आपके पास में यहाँ पे आर की वैल्यू डालो वन माइनस फाइव एंड थ्री सो इक्वेशन ऑफ प्लेन विल बी हेयर x माइनस टू एंड माइनस फाइव वाई माइनस फाइव ओके एंड जेड थ्री जेड माइनस फोर इजिकल टू जीरो तो प्लस ये देखो प्लस का ट्वेंटी फाइव माइनस ट्वेल्व और माइनस ट्वेल्व माइनस थर्टीन तो प्लस का इलेवन आ रहा है तो ये इक्वेशन मिल रहा है सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज वन अब कहता है इक्वेशन ऑफ द प्लेन पी लोकेटेड एट ए मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट क्यू अब ऐसा प्लेन का इक्वेशन बताना है बिच इज लाइंग एट ए मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट क्यू तो वो आपके पास में कौन सा होगा कौन सा प्लेन होगा दैट पॉइंट P आल्सो लाइज इन दैट प्लेन तो P उस पॉइंट पे लाई करेगा Q भी लाई करेगा तो यानी मिनिमम डिस्टेंस मस्ट भी इक्वल टू क्या होगा जीरो हो जाएगा उस कंडीशन में तो देखो एक तो तरीका ये कि भी इस पॉइंट का इस इससे डिस्टेंस निकालोगे दैट विल बी जीरो तो आपके पास में जैसे देखो इसमें आप रखते हो ना इसमें इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स तो दैट डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट क्यू फ्रॉम दिस विल बी जीरो सो दिस इज द रिक्वायर्ड प्लेन ये रिक्वायर्ड प्लेन होगा तो इसको निकालेंगे कैसे देखो इसमें देखो सेकंड क्वेश्चन की बात करें मिनिमम डिस्टेंस तो मिनिमम डिस्टेंस Q फ्रॉम P इज जीरो तो ना इक्वेशन ऑफ द प्लेन P लोकेटेड एट ए मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट Q इज तो वो बताना है तो वो पॉइंट क्या वो प्लेन किससे पास होगा वन टेन वन से पास हो जाएगा साथ में तो देखो ऐसा है इक्वेशन ऑफ द प्लेन दैट विल बी एक्स माइनस वन थ्री जेड माइनस वन ठीक है तो पॉइंट आपके पास में तो सेकंड पार्ट में बेटा इसको चेक करने के लिए इक्वेशन ऑफ प्लेन P लोकेटेड एट ए मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट Q इस अब वो पॉइंट P इस लाइन को भी कंटेन करता है तो मिनिमम डिस्टेंस ऑफ दैट प्लेन P विल बी फ्रॉम दिस पॉइंट Q दैट वो कब होगा मिनिमम डिस्टेंस दैट प्लेन मस्ट पास थ्रू द पॉइंट Q तो उस point, उस पॉइंट प्लेन P का जो इस पॉइंट Q से जो डिस्टेंस होगा वो जीरो होगा तो देखो आपके पास में इक्वेशन ऑफ दैट प्लेन दैट विल पास थ्रू दिस लाइन इस लाइन से ही पास होता है ठीक है और आपके पास में डायरेक्शन रेशियो एंड पास थ्रू दिस पॉइंट तो दिस पॉइंट से देखो एक वन थ्री वन से ही पास हो रहा है ना तो आपके पास वन माइनस वन जीरो तो सेवन एंड दिस इज जीरो इसको आप सिंपलीफाई करोगे यू विल गेट द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्री एक्स माइनस जेड इज इक्ल टू टू ये तो सेकेंड ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट ओके okay? तो अब अपने पास में देखो इमेज ऑफ तो आपके पास में क्या पूछ रहा है इमेज ऑफ पॉइंट क्यू विद रिस्पेक्ट टू लाइन एल तो अपने फुटो परपेंडिकुलर अभी निकाला था ठीक है पी के कोऑर्डिनेट जब निकाले थे हमने देखो ये क्यू के कोऑर्डिनेट वन टेन वन इसका जो इमेज मैंने जो लिया था इस पॉइंट पी लिया था ठीक है इस प्लेन पे तो उसके कोऑर्डिनेट हमने निकाले थे टू फोर टू फाइव सिक्स टू फाइव फोर सॉरी टू फाइव फोर ये कोऑर्डिनेट थे अब इसमें इसके देखो इसके P के कोऑर्डिनेट क्या है टू फाइव फोर अब इसके ट्वाइस में से इसको सबट्रैक्ट कर दो दैट विल द इमेज ऑफ दिस पॉइंट Q अबाउट दिस लाइन ये लाइन के अबाउट इसके इमेज मिलेगा तो इससे ट्वाइस करेंगे तो देखो कितना आ रहा है वन जीरो एंड सेवन तो आपके पास में ट्वाइस सॉरी थ्री जीरो सेवन इसके ट्वाइस में से इसको सब्टेक्ट करेंगे थ्री जीरो सेवन सो विच ऑप्शन इज तो थर्ड ऑप्शन इज आल्सो करेक्ट तो नेक्स्ट क्वेश्चन तो नेक्स्ट में देखो आपके पास में दी इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द दिस पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन्स एक ऐसे प्लेन का इक्वेशन निकालना है जो इस पॉइंट से पास होता है और इसके प्लेन्स के परपेंडिकुलर तो इसमें देखो अपने को उस प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो निकालने पहले तो क्या है नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो लेट क्या लेट कर लो एबीसी तो सो so हेयर भी है प्लेन इज परपेंडिकुलर टू दोनों प्लेन्स के इनके परपेंडिकुलर है इनके परपेंडिकुलर तो वो प्लेन क्या होंगे उसके जो नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो और इन दोनों प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो के प्रोडक्ट का सम इक्वल टू जीरो आएगा तो अपने उसके रिक्वायर्ड प्लेन के डायरेक्शन नॉर्मल के डायरेक्शन ए बी सी कर लो तो फिर क्या आएगा आपके पास में ए प्लस टू बी प्लस थ्री सी टू ज़ीरो ऐसा सो थ्री ए प्लस थ्री बी प्लस सी टू ज़ीरो तो यहाँ से ए अपॉन क्या आ रहा है सो दिस इज माइनस सेवन बी इधर देखो आपके पास में नाइन एंड नाइन दिस इज एट एट आ रहा है सो so सी थ्री माइनस सिक्स सो माइनस का थ्री सो ये आपके पास में उस प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन से so अब कहाँ से पास होता है माइनस वन थ्री से पास हो रहा है तो माइनस सेवन एक्स प्लस वन माइन प्लस एट वाई माइनस थ्री एंड माइनस थ्री जेड माइनस टू इस तरीके से तो माइनस सेवन एक्स प्लस एट वाई माइनस थ्री जेड इस फोर में आ रहा है माइनस सेवन माइनस ट्वेंटी फोर तो थर्टी वन प्लस सिक्स तो माइनस का ट्वेंटी फाइव आ रहा है ओके सो वी है थ्री जेड एंड प्लस ट्वेंटी फाइव इज इक्वल टू जीरो सो विच इक्वेशन इज सियर सो फर्स्ट ऑप्शन इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज फर्स्ट ऑप्शन

तो आप इसको सिंपली देखो ये क्वेश्चन क्या है थोड़ा सा ये कंडीशन जो दिए सिर्फ आपको कंफ्यूजन के लिए दिया हुआ है अगर आप इसको देखें थोड़ा सा ध्यान से तो इसको कैसे लिख सकते हो आप सॉल्यूशन में ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर डब्ल्यू वेक्टर ठीक है ना इस तरीके से इसको अपने रोटेशन में लाते जाए सो so, भी है इस तरीके से आएगा ठीक है सो दिस इज इक्वल टू वट ये आपके पास में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो गया इन तीनों वेक्टर का तो ये किसके इक्वल है आपके पास में बी वेक्टर के तो बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर सो दिस इज वन तो दे आर यूनिट वैक्टर है सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज वन तो नेक्स्ट क्वेश्चन तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास में क्या है

तो अपने इसमें यूनिट वेक्टर क्या है आई कैप जे कैप के कैप लेट करके कर सकते हो दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर तो देखो इसमें सॉल्यूशन के लिए ये राइट हैंड साइड आपको पता है किसके इक्वल आएगी ठीक है ये सो दिस विल बी किसके इक्वल हुआ वन के इक्वल हो गया ओके सो नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द प्रोजेक्शन ऑफ अब ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर किसके इक्वल आएगा ए कैप के तो इसमें आपको पूछा क्या है सो प्रोजेक्शन ऑफ बी कैप प्लस सी कैप ऑन वेक्टर तो उसके तो देखो वो किस तरीके से आएगा आपके पास में प्रोजेक्शन ऑफ ऑन ठीक है तो ये किसके किस तरीके से आ जाएगा आपके पास में डी कैप प्लस सी कैप डॉट जिसपे प्रोजेक्शन निकालना होता है उसका यूनिट वेक्टर ये वन ये तो वन हो जाएगा अब इसको जब आप अंदर की तरफ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आपके पास में क्या आ जाएगा सो बी कैप डॉट ए कैप क्रॉस बी कैप दैट विल बी जीरो तो अपने पास में सिंपल ये इस फॉर्म में आ जाएगा इसकी वैल्यू क्या आती है वन ये वन की इक्वल है सो वट इज दैल्यू दैट इज इट्स आंसर इज वन सो प्रोजेक्शन ऑफ बी कैप प्लस सी कैप ऑन ए कैप प्लस बी क्रॉस बी कैप इज वन तो नेक्स्ट क्वेश्चन सो थर्ड क्वेश्चन में देखो आपके पास में ऑफ इज इक्वल टू टू मोडलस ऑफ जेड वन वैक्टर इज इक्वल टू टू मोडलस ऑफ जेड टू वैक्टर इज इक्वल टू थ्री एंड मोडलस ऑफ जेड फोर इज इक्वल टू जेड थ्री इज इक्वल टू फोर अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूं देखो आपके पास में क्या आता है जेड जेड वन बार टू फोर जेड टू जेड टू बार इजिकल टू नाइन एंड जेड थ्री जेड थ्री बार वी हैव हेयर सिक्सटीन अब उसमें ऑप्शन में देखो मतलब इसकी आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है इसमें देखो मैं क्या करूँगा अब इसमें सो फोर जेड टू जेड थ्री इस फॉर्म में लिख देता हूँ इंटू टू प्लस यहाँ पे नाइन थ्री नाइन जेड थ्री जेड वन फिर सिक्सटीन फोर सिक्सटीन जेड वन जेड टू होल रिश्ता वन पॉइंट थ्री इस फॉर्म में लिख दिया अब फोर की वैल्यू क्या है आपके पास में जेड वन जेड वन बार ये टू इन टू जेड वन जेड वन बार जेड टू जेड थ्री फिर थ्री इन टू इसकी वैल्यू आपके पास में नाइन नाइन की वैल्यू जेड टू जेड टू बार जेड थ्री जेड वन इस फोर में आ गया फिर प्लस यहाँ पे सिक्सटीन जेड थ्री जेड थ्री बार ऐसा आया फोर तो जेड वन जेड टू होल एश वन पॉइंट थ्री अच्छा वट इज द कॉमन फ्रॉम ऑल दिस सो सब में से आपके पास कॉमन है जेड वन जेड टू जेड थ्री तो ये ऐसे आ जाएगा मोडलस ऑफ जेड वन जेड टू जेड थ्री तो ब्रैकेट में अंदर क्या रहा मोडलस ऑफ जेड वन थ्री जेड टू बार प्लस फोर जेड थ्री बार ऐसे एंड होल एश पावर वन पॉइंट थ्री द वैल्यू इस इसकी वैल्यू देखो आपको गिवन है कितनी नाइन है या इसका आप कॉन्जुगेट ले लो एक ही बात है तो ये इसमें देखो आपके पास में क्या आ रहा है Z1 plus, Z2, sorry, Z3, ऐसा आ रहा है ठीक है इसको अलग से तो सारे के पावर क्या आ रहा है आपके पास में ये मोडलस ऑफ टू जेड वन थ्री मोडलस ऑफ जेड टू फोर जेड थ्री तो सारे का पावर कितना है वन पॉइंट थ्री है ठीक है तो इसकी वैल्यू देखो आपके पास में कितना है टू थ्री फोर एंड व्हाट इज इट्स वैल्यू नाइन सो इसको जब आप सिंपलीफाई करते हो दिस इज सिक्स इस सिक्स आ रहा है सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज सिक्स नेक्स्ट क्वेश्चन तो अपने को वैल्यू देखो किसकी पूछी है इफ दिया है सो जेड वन इज इक्वल टू फाइव प्लस थ्री आयोटा ठीक है यहां पर हिंदी में मैक्सिमम रह गया अधिकतम ठीक है अधिकतम ये लिखना है तो इसमें देखो आपको वैल्यू इसकी चाहिए तो इंग्लिश में पढ़ लिया करो थोड़ा सा ना वो पता लग जाता है ना बेटा तो अब इसमें देखो इसकी वैल्यू पूछी है तो इसको अपने देखो किस तरीके से लिखेंगे तो इसमें से आयोटा बाहर निकाल देता हूं मैं आयोटा जेड प्लस जेड वन अपॉन आयोटा इस तरीके से आ जाएगा तो जेड माइनस आयोटा जेड वन तो अब अपने को इसमें देखो जेड माइनस आयोटा प्लस आयोटा जेड वन की वैल्यू डाल दो बट द जेड वन ये फाइव प्लस थ्री आयोटा ऐसा ठीक है इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो जेड माइनस आयोटा ये कितना हो जाएगा माइनस फोर आयोटा माइनस फोर आयोटा एंड माइनस का प्लस का थ्री ठीक है सो दिस विल बी लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ जेड आयोटा प्लस प्लस माइनस फोर आईटा प्लस थ्री इस तरीके से कर देंगे आपको पता है ऑफ़ सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज भी है सेवन फिफ्थ क्वेश्चन है आपको देखो यहां पे क्या आप दे रहा है जेट वन जेड टू जेड थ्री जेट फोर आर द कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑफ द दिस क्वेशन सो देन वैल्यू ऑफ दिस इसकी वैल्यू पूछा है तो देखो इसमें जेड फोर थ्री जेड स्क्वेयर प्लस वन सो दिस विल बी इक्वल टू जेड माइनस जेड वन जेड माइनस जेड टू एंड जेड टू माइनस जेड थ्री एंड जेड माइनस जेड फोर so we are given here the z1 z2 z3 z4 are its roots फोर so, तो इसमें put करो आप क्या है जेड इजिकल टू टू आयोटा इसमें जब 2 iota रखते हो तो यहाँ पे 16 so यहाँ पे minus 12 plus 1 इस तरीके से आ जाएगा so 2 iota minus z1 2 iota z2 and 2 iota minus z3 2 iota minus z4 ये आपको कहाँ से पता लगेगा भी क्या रखना है इसमें तो बेटा यहां से पता लगेगा आपको फोर दे रहा है ये तो फोर तो तभी बनेगा जब आपके पास से टू और आपके पास से माइनस टू आयोटा को जब मल्टीप्लाई करोगे तो अब इसमें क्या मैं पुट करता हूँ फर्दर बी पुट जेड इजिकल टू माइनस टू आयोटा तो माइनस टू आयोटा रखेंगे अगेन वी हैव हियर इधर क्या मिलेगा आपको माइनस टू आयोटा माइनस जेड वन माइनस टू आयोटा जेड टू एंड माइनस टू आयोटा जेड थ्री एंड माइनस टू आयोटा जेड फोर ओके अगर आप इनको सबको दोनों को मल्टीप्लाई करोगे देखिए तो यहाँ पे फाइव आएगा यहां पे 5, आएगा. Okay? इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आपके पास में क्या आ जाएगा square, square, इस तरीके से आएगा इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे देखो आपके पास में माइनस बाहर कॉमन आ जाएगा तो यहां से क्या आएगा फोर आईटा स्क्र प्लस जेड वन स्क्र माइनस जेड वन स्क्र ऐसा ही आएगा ना फोर आयोटा स्क्वेयर माइनस जेड वन स्क्र तो माइनस फिर बाहर आएगा वो प्लस का हो जाएगा सो तो यहां से आपके पास में जेड फोर स्क्र फोर ठीक है ये फोर आएगा यहाँ पे सो दिस वी हैव टू शो ठीक है इसकी वैल्यू ट्वेंटी फाइव आई सो अपॉन हंड्रेड करना इसका प्रोडक्ट करेंगे तो हंड्रेड हंड्रेड में आपके पास में यहाँ पे हंड्रेड करोगे सो यू विल इट्स रिजल्ट विल बी इक्वल टू ये किसके इक्वल आएगा ये सारे के सारे प्रोडक्ट में है ना फोर जेट वन स्क्र प्लस इंटू फोर जेट टू स्कर ऐसा है. तो ये जीरो पॉइंट टू फाइव आंसर टू दिस क्वेश्चन इज जीरो नेक्स्ट क्वेश्चन तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो आपके पास में शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स इन लाइंस के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है तो अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करें ये दोनों लाइंस के हैं पैल है बहुत टू लाइन आर पैल पैल टू इच अदर ठीक है तो इनके आपके पास में जो दोनों लाइन आपके पास में पैलल है सोल्यूशन तो में देखो इस पे पॉइंट क्या लाइक कर रहा है एक पॉइंट ए इस है आपके पास से वन टू वन इस पे पॉइंट क्या है बी पॉइंट आपके पास में क्या है टू माइनस वन माइनस वन इसका अपने प्रोजेक्शन निकाल लेते हैं ऑन विच लाइन डायरेक्शन रेशियोज आर टू वन टू ठीक है 2, 1, 2. तो इसका प्रोजेक्शन ये जैसे बी वेक्टर आपका क्या हो गया पहले टू दिस टू आई प्लस जे प्लस टू के कैप इसका इस पे प्रोजेक्शन आ जाएगा आपके पास में ये वाला प्रोजेक्शन हो जाएगा ये लेंथ आ जाएगी आपके पास में बीसी ठीक है सो ए बी यू कैन हैव ए बी आपके पास में क्या आ जाएगा डिस्टेंस फार्मूले से देखो इसमें क्या आ रहा है आपके पास में दिस जिस वन एंड नाइन एंड फोर सो दिस वी हैव अंड्रूड फोर्टीन अंड्रूड फोर्टीन बन गया ए बी सो ए सी यू कैन फाइंड आउट देन सो वट इज द प्रोजेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ ऑफ ए बी वैक्टर ऑन बी वैक्टर बी वेक्टर पे प्रोजेक्शन निकाल लेते हैं तो ए बी वैक्टर आपके पास में क्या हो गया यहाँ पे ए बी वैक्टर भी है सो so, यहाँ पे टू आई माइनस ए माइनस के कैप ऐसे ही है ठीक है सॉरी इसमें वन ये मैंने ए बी वैक्टर लेना ए बी वेक्टर ए बी वैक्टर क्या आ रहा है आपके पास में यहाँ पे सो so आई माइनस थ्री एंड माइनस टू के यही हुआ ठीक है ये अब इसका प्रोजेक्शन देखो उसपे निकालेंगे तो क्या आएगा आपके पास में ये तो इस तरीके से ए बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन तो ये कितना हुआ आपके पास में मोडलस में सो वन माइनस सिक्स एंड माइनस फोर अपॉन सो दिस इज थ्री इस फोर में आ रहा है सो दिस विल बी हेयर माइनस टेन माइनस नाइन माइनस थ्री सो ए बी वैक्टर डॉट बी वैक्टर वी हैव हेयर टू ये टू था एक मिनट इसको दोबारा देखें थोड़ा सा दिस इज टू माइनस थ्री माइनस फोर ठीक है ये आ रहा है सो दिस वी हैव थ्री सो दिस फाइव तो ये पॉजिटिव वैल्यू होती है बेटा माइनस सेवन फाइव पॉइंट थ्री तो ये आपके पास में बी सी आ गया बी सी

दिस विल बी वन थाउजेंड दिस विल भी इक्वल टू वट इसका स्क्रिंग करेंगे तो क्या कंडीशन आ जाएगी आपके पास में सो नाइन एंड वन हंड्रेड वन अपॉन नाइन ये कैंसिल तो दिस विल बी पॉइंट वन जीरो वन तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज पॉइंट वन जीरो वन तो नेक्स्ट क्वेश्चन तो इस क्वेश्चन में देखो आपके पास में बेटा सेवेंथ में ए वेक्टर बी वेक्टर आर टू यूनिट वेक्टर्स इनक्लाइंड एट एन एंगल फाइव बाई थ्री सो देन यू हैव फाइंड आउट दी दिस वैल्यू इसकी वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है ठीक है तो इसमें देखो आप क्या करो पहले इसको क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो देखो इसमें ए वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर प्लस ए वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर इस फॉर्म में ठीक है डॉट बी वैक्टर तो पहले आप इसको देखो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हाँ तो बेटा इसमें अपने देखो इसको क्रॉस प्रोडक्ट किया ठीक है इसका फिर ए वेक्टर क्रॉस ए वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर इस फॉर्म में तो इसके साथ में डॉट प्रोडक्ट क्या है बी वेक्टर ये बराबर तो अब इसमें देखो आप इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे बी वेक्टर के साथ में तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर इस फॉर्म में आएगा ये जीरो हो जाएगा अब इसमें क्या है पहले आप फार्मूला लगाओ इसमें देखो ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर डॉट ए वैक्टर इंटू में ए वैक्टर फिर माइनस ए वैक्टर डॉट ए वैक्टर इंटू बी वैक्टर ठीक है इसके इंटू में क्या है बी वैक्टर डॉट है

तो इसमें बेटा अब देखो एट्स क्वेश्चन है आपका एट्थ क्वेश्चन में क्या करना है इसमें आपको गिवन क्या है, vector, vector, है. 4. Cos 4. ये है तो देखो अपने को ये कंडीशन दी हुई ये कंडीशन आपकी हेल्प करेगा तो मोडलस मतलब बी वेक्टर टू सी वेक्टर इज इक्वल टू लेमडा ए वेक्टर तो बी वेक्टर इज इक्वल टू लेमडा ए वेक्टर प्लस टू सी वेक्टर इस फॉर्म में तो इसका स्क्वायर किया स्वेयरिंग तो स्केरिंग करोगे तो आपके पास में देखो क्या आएगा लेमडा ए स्क्वायर वेक्टर स्क्वायर फोर सी वेक्टर स्क्वेयर तो फोर लेमडा फोर लेमडा ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर ओके तो यहां से इसका मोडलस का स्क्वायर आ जाएगा सिक्सटीन लेमडा स्क्वायर एंड दिस विल बी वी है फोर तो दिस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर ए वैक्टर डॉट सी वैक्टर भी है तो ये यहाँ पे आपके आपके पास पास में में क्या आ जाएगा 4 lambda into 1 upon 4. ये simple बन गया क्वेश्चन ठीक है तो यहाँ पर ये साथ में इधर लेमडा लेमडा भी आ गया तो इक्वेशन क्या बन गया किस फॉर्म में आ गया देखो लेमडा स्क्वेर प्लस लेमडा एंड माइनस का 12 माइनस ट्वेल्व तो इसके रूट्स क्या है आपके पास में लेमडा वन और लेमडा टू लेमडाडा टू कितना है माइनस वन एंड बड़ी था लेमडाडा टू दिस इज माइनस ट्वेल्व इस तरीके से आ रहा है ना तो बेटा अब आपको इसकी वैल्यू पूछी है देखो इसमें क्या रखोगे लेमडा वन प्लस लेमडा टू अपॉन लेमडा वन लेमडा टू ये इस फॉर्म में आ गया बेटा तो अब इसमें देखो आपके पास में क्या है सिक्स माइनस वन अपॉन माइनस ट्वेल्व ठीक है तो कितना बन गया जीरो पॉइंट फाइव तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज जीरो पॉइंट फाइव ओके तो ये बेटा हमने क्या है यहाँ पे एडवांस का पेपर को सॉल्व किया है इसको ढंग से देंगे पेपर को तो ओके थैंक यू